नमस्कार, एक बड़ी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। बिहार के राजनीति में जिस तरह का उथल पुथल मचा हुआ है उससे आप अछूते नहीं हैं। लगातार हम खबरों के माध्यम से बता रहे हैं कि बिहार में लगातार जो है वो राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, और इस राजनीतिक उथल पुथल में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप थी। इक्का दुक्का नेता जो वर्तमान में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध को विच्छेद किया है उसको लेकर के अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी अब बड़े परिणाम के रूप में सामने आनी शुरू हो गई है। आपने कल दो तीन बातें सुनी होगी। पहला तो ये जो भारत लाइव में आपने खबरों के माध्यम से दिखाया था कि एलजेपी में एक बार फिर से सेंधमारी की कोशिश हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से लगी हुई है। जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा, उसी तरह से लोक जनशक्ति पार्टी के, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो सांसद हैं उनकी सेंधमारी कर रही है, और पांच में से जो तीन सांसद हैं उनको अपने पाले में लेकर के आएगी। पूरे दिन ये खबर गर्माहट पैदा करती रही, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार चुप थी वो चुप बैठने की स्थिति में नहीं थी। इससे पहले हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान और जो उनके चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, उन दोनों की पार्टी जो दो फाड़ हो गई है उसे एक जगह लाने की कोशिश भी की जा रही है। बयान भी आ गए थे कि दोनों अलग थोड़े हैं, एक साथ आएंगे। लेकिन इन सब के बाद आरसीपी सिंह की भी एक खबर आ रही थी कि आरसीपी सिंह गुट ने पटना के मौर्या होटल में बैठक की है, और उस बैठक में कई एजेंडे सामने लाए गए हैं जिसमें आगे की लड़ाई के लिए रणनीतियां बनाई गई। इस रणनीति में कुछ बातें ऐसी थी जिसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इसको भीतर खाने से या पर्दे के पीछे से लीड कर रही है। अब ये दो धुरी है, एक तो जहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप थी वहां अब पूरी तरह से कमान चिराग पासवान के हाथ में दे दिया गया। पशुपति कुमार पारस ने भी इशारों इशारों में बता दिया है कि परिवार और पार्टी दोनों एक है और हम कहीं अलग थोड़े हैं। वो थोड़ा सा मनमुटाव था, और ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल साथ साथ चलने के लिए तैयार हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो स्थितियां हैं और जिस तरह का संकेत मिल रहा है उसमें जहां एक तरफ आरसीपी सिंह का गुट और खुद आरसीपी सिंह एक बड़े कार्यक्रम के साथ आगाज करेंगे जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि बिहार की राजनीति में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने अपने मोहरों को खड़ा करती है, कैसे चेकमेट करने की तैयारी में लगी हुई है। उसमें चिराग पासवान और आरसीपी सिंह की भूमिका अहम होने जा रही है। वहीं सुशील मोदी को भी ला दिया गया है, और चिराग पासवान के हाथ में कमान दे करके एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुनबे को समेटने का कोशिश किया है। इस कोशिश में कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चिराग पासवान के हाथ में लोक जनशक्ति पार्टी का एक बार फिर से कमान मिलने जा रहा, और केंद्र में जो मंत्रिमंडल जनता दल यूनाइटेड के पास था वो मंत्रिमंडल अब चिराग पासवान के पास देने की तैयारी हो चुकी है। मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ चिराग पासवान भी मंत्री होंगे और पशुपति कुमार पारस तो मंत्री रहेंगे ही, यानी कि दोनों को एक करके और फिर से पूरी शक्ति के साथ नीतीश कुमार का विरोध बिहार से लेकर के देश भर में करना, और साथ ही नीतीश कुमार को एक्सपोज करने का पूरा पूरा प्लान बन गया है, जिसमें अहम भूमिका आरसीपी सिंह और चिराग पासवान की होगी। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, 15 तारीख को चिराग वर्सेस कहा जा रहा है कि मीडिया 11 का एक मैच भी होने जा रहा है। ये मैच भले ही क्रिकेट के पिच पर होगा लेकिन असल मैच की तैयारी का ये आगाज है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अंपायर की भूमिका में है, और देखना होगा कि किसे LBW और किसे जो है वो जीवन दान मिलता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। लगातार हम बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका पूरा पूरा ध्यान भारत लाइव पे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।